नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 ब्रेड ले लिए हैं। अब हम ब्रेड को साइड में रख देते हैं और यहाँ पर बाउल में मैंने 2 आलुओं को उबाल कर अच्छे से ठंडा कर ग्रेटर से ग्रेट कर इस तरह से बारीक बारीक बाउल में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको आलू की स्टफिंग में और मसाले ऐड करना है, ज्यादा चटपटा बनाना है, तो आप इसमें और चटपटे मसाले मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज को इस तरह से गोल गोल काट लिया है और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को इस तरह से गोल गोल काट लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम ब्रेड को साइड में रख देते हैं और एक ब्रेड को हम अभी रखेंगे। यहाँ पर मैंने हरे धनिया और टमाटर की चटनी ले ली है। चटनी को हम ब्रेड पर फैला देंगे। तो अब हम आलू का मसाला जो हमने बना के रखा था, अब हम इस पर ब्रेड पर फैला देते हैं। पतला पतला फैलाना है हमें। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करा था, तो ब्रेड पर मैं इसको रख रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर लगा देंगे, जो हमने प्याज काट के रखा था प्याज भी लगा देंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा ब्रेड उठाएंगे और इस पर हम हल्की हल्की सी चटनी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है चटनी को। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चटनी लगा ली है। तो हम मसालों पर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको हम इस तरह से पैक कर देते हैं। तो ये देखिए सब्जियों का सैंडविच बनकर तैयार है। और इस तरह से सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम तवे पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। तो सारे तवे पर मैंने घी को अच्छे से फैला दिया है। तो अब हम एक एक करके सैंडविच तवे पर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे सैंडविच तवे पर रख दिए हैं। अब हम सैंडविच को थोड़ी देर सेकने देते हैं। अब हम थोड़ा सा इस तरह से सैंडविच को दबा दबा कर सेक लेंगे, सी अच्छे से सिक जाए। अब हम सैंडविच के ऊपर भी घी लगा देते हैं, इससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छा क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने सारे सैंडविच पे घी लगा दिया है। अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ऊपर से क्रिस्पी हो गया है सैंडविच। थोड़ा घी लगा देंगे ऊपर से, बहुत ही बढ़िया लगता है ये नाश्ता खाने में, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो हम सैंडविच को चेक कर लेते हैं, ये दूसरी तरफ से सिका है कि नहीं सिका है। इस तरह से पलट कर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं सैंडविच कितना बढ़िया दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। ये देखिए दोनों तरफ से कितने बढ़िया कुरकुरे से सिक गए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है ये नाश्ता, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए सैंडविच अंदर से भी कितना बढ़िया सिक गया है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये नाश्ता।